वकील जो हमेशा समाज के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और आरोपी के न्याय के लिए 24 घंटे काम करते हैं, अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने परिवारों को भी समय नहीं दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी उन्हें शारीरिक के साथ साथ मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जिला न्यायालय कमरा नंबर 214 में जिला न्यायालय के इतिहास में पहला भव्य शतरंज टूर्नामेंट 16 अगस्त से 23 अगस्त तक जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कम से कम 80 वकीलों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीरंग भांडरकर, महाराष्ट्र बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष अनिल गोवर्दीप और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सतूजा, सत्र न्यायाधीश जेपी जेप्टे, एचसी शेंडे, मुंबई बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट आसिफ कुरैशी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सतूजा, सचिव नितिन देशमुख, एडवोकेट रोशन बागड़े, बुद्धिबल आयोजन समिति के मुख्य आयोजक पूर्व जिला लोक अभियोजक विलास राउत, अधिवक्ता योगेश सोनी उपस्थित थे, जबकि मुख्य कोच गोविंद भाके ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका। अब बारिश का समय था तो हमने सोचा बाहर हम लोग काम नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, तो हम लोगों ने सोचा कि हम चेस का एक इंडोर गेम हम लोग आयोजित करेंगे, और हम लोगों ने डीबीए की तरफ से और विलास राउत, योगेश सोनी, एडवोकेट रोशन बागड़े, हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट नितिन देशमुख, इन सब ने मिलकर एक क्रिकेट चेस का बहुत सुंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और इसमें 80 वकीलों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे सुंदर बात इस कार्यक्रम की ये थी कि हमारे एक चेस कॉम्पिटिशन में 10 लेडी लॉयर्स ने भी पार्टिसिपेट की और बहुत उत्साह के साथ सबने एक प्रोग्राम में खेला। चेस कॉम्पिटिशनच आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ठेवण्यात आलेलं होतं, आणि हा कार्यक्रम ठेवण्यामागे आमच्या डीबीएचे अध्यक्ष कमल सतुजा सर, त्याचप्रमाणे डीबीएचे सचिव श्री नितीन देशमुख सर, आणि या कार्यक्रमा हा जो कार्यक्रम प्रामुख्याने घडवून आणलेला आहे त्याच्यामागचे दोन हिरे म्हणजे आमचे राजेश राऊत सर, त्याचप्रमाणे सोनी साहेब, या लोकांमुळे विलास राऊत आणि सोनी साहेब या लोकांमुळेच हा कार्यक्रम घडण्यात आला। बुद्धिबळ म्हणजे बुद्धीचा विकास, आणि वकिलामध्ये आणि बुद्धीमध्ये एक बुद्धिबळाच्या गेममध्ये एक साम्य आहे असं मला वाटतं, आणि म्हणून हा जो खेळ सुरू करण्यात आलेला आहे त्यामागे यावर्षी 70-80 लोकांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज, नागपूर।